को प्रभावित नहीं करती हैं, नहीं सर, नहीं करती नहीं सर, हमें हमें इसका, देखिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरा अपना अनुभव रहा है सिख समुदाय के लोगों के साथ कि इतना कुछ झेला आप लोगों ने, सचमुच 47 में झेला आप लोगों ने, भावनात्मक रूप से सारा संपत्ति घर सब बिछड़ा, फिर भी 84 में झेला आपने सब झेला, फिर भी आप लोग उस तरह से वो जहर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ये हिंदी पट्टी में और चारों तरफ फैलती है, ये मुसलमान ऐसे होते हैं और हिंदू ऐसे होते हैं लेके, जो पूरा जहरीला वातावरण फैलता है, आप लोगों के भीतर वो गुस्सा नहीं रहता कि हमें बदला लेना है? सर बड़ा क्लियर बात बता देता हूं, आपके भीतर वो डर भी नहीं रहता है कि कोई दूसरा समुदाय आकर आपके ऊपर चढ़ जाएगा या आबादी खा जाएगी आपको, ये सब आपके भीतर क्यों नहीं होता है? सर रीजन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें सभी धर्मों के जो लोग थे, बैकग्राउंड्स के लोग थे, उनकी वाणी लिखी हुई है, उनसे हमें पढ़ के मोटिवेशन मिलती है कि अगर हमारे गुरु ही नहीं फर्क समझा तो हम कौन सी चीज है, हम कौन लोग हैं कि हम फर्क समझना शुरू। सब घटनाओं का क्यों क्यों नहीं असर? क्योंकि क्यों नहीं, वो जैसे कहते हैं ना कि वो तलखी भरी होती है, जैसे देखते हैं कि व्हाट्सएप में भी चल रहा है कि मुसलमानों ने ये कर दिया, मुसलमानों ने वो कर दिया और एक जहर फैल रहा है, तो उससे ज्यादा तो आप लोगों ने जान गंवाई है और भुगता है दोनों कम्युनिटी से। अगर 84 के हिसाब से देखें तो मारने वाले कौन थे, है ना, और अगर 47 में देखें तो आप लोगों ने एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के भी शिकार हुए, दोनों कम्युनिटी से आपका इतिहास मतलब नरसंहार को झेला आप लोगों ने, फिर भी वो बिटरनेस तलखी क्यों नहीं कि बदला लेना है, पीढ़ियों को बताना है, बच्चा बड़ा हो व्हाट्सएप ठेल ठेल के बताना कि तुम्हें ऐसा करना है, आप लोग क्यों नहीं करते? मेरे खुद की फैमिली 47 में दादी लोग वहां से आए, पाकिस्तान से, 84 में हम हरियाणा से उजड़ के पंजाब में आए, हमारी फैमिली का भी बैकग्राउंड, हमारे घर वालों ने भी बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी दुकानें लुट गई, सब कुछ हो गया, तो वो जो लोग थे वो सभी कम्युनिटी में है, चाहे वो मुस्लिम है, जो मुस्लिम ने हमारे साथ किया, जो हिंदूज ने हमारे साथ किया, किसी भी कम्युनिटी ने अगर हमारे साथ कुछ किया, वो कुछ लोग थे, वो ग्रुप था कुछ जिन्होंने गलत काम किया। हमारी कम्युनिटी में भी अभी हमको सिख कम्युनिटी में कई लोग कहते हैं कि आप क्यों कर रहे हो हेल्प, हमको गालियां निकाल रहे हैं कि आप सिख होके दूसरे की मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ धर्म को भेष बनाया और एक्चुअल में प्रैक्टिकल करना नहीं सीखा कि हमारे गुरुओं ने किसी के लिए जान दिया और हम सिर्फ रोटी नहीं खिला सकते, क्या वो लोग हैं। मंत्री जी आपका इस पर टेक जानना चाहता हूं, फिर मैं ब्रेक लूंगा। सर मैं तो मैं वो जानना चाहता हूं बिटरनेस क्यों सर, नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, मतलब जो दिल की बात है, सिख मरे, सिखों की हिस्ट्री है शहादतें देने की, बट जिस दिन सिख ही मर गई ना उस दिन ये धर्म खत्म है, तो ये सिख ही नहीं मरनी चाहिए, सिख चाहे मर जाए सिख ही नहीं मरनी चाहिए, सिख ही नहीं मरनी, जो क्वालिटीज है ना आपकी, जो जो आज जो उनकी जो एजुकेशन है जो हमारे गुरुओं की, जिस दिन वो खत्म होगी उस दिन सिख धर्म नहीं रहेगा, तो वो सिख ही नहीं मरनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम कुछ और बातें करेंगे। आज हमें पूछता है कि आप इराक सीरिया बॉर्डर पे ब्रेड बांट रहे हो, वहां पे तो बॉम्ब चल रहे हैं, हाँ, और आईसीस आतंकवादी दिन भर हम लोग चलाते रहते हैं, कई बार जो हमारे फाउंडर हैं खालसा एड के रवि सिंह, वो वहां पे जाते हैं, कई बार लाइव करते हैं, वो बताते हैं कि 1 किलोमीटर के बाद बॉर्डर है, वहां पे शेलिंग हो रही है, हम यहाँ पे बांग्लादेश गए, हम कई फ्रेंड सर्कल हैं कि आप क्यों जा रहे हो वहां पे, लेकिन जो बात मनप्रीत जी ने बोली कि चाहे सिख मर जाए सिख ही नहीं मरनी चाहिए, अगर एक मिसाल का सीरिया गए तो जान भी खतरे में है ना, कि तो बोल रहे हैं, लेकिन जो मिसाल कायम हुई ना कि सिख का जो फर्ज था असल में, ये नहीं कि चार बाउंड्रीज की तरफ आप सिर्फ वहां पे लंगर सिखा रहे हो, नहीं, ये पूरे ग्लोब में लंगर चलना चाहिए, ये जो गोलियां कहीं से भी चल रही हो लंगर चलेगा, लंगर चलेगा, क्या बात, देखेगा रोटी मिलेगी, क्या बात। एक लाइव एग्जांपल देता हूं, हमारे जो हेड हैं रवि सिंह जी, क्योंकि वो ऐसे एरियाज में जाते हैं जहां पे जान का खतरा है, उन्होंने आज से तकरीबन 1 महीने पहले अपने फेसबुक पेज पे ये डाला कि अगर कल भगवान ना करे मैं किसी मिशन के ऊपर मर जाता हूं तो ये किसी धर्म के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। उन्होंने डाला, उन्होंने डाला ये कि अगर उनकी मौत हो जाए किसी किसी कम्युनिटी में काम करते हुए मर जाए तो धर्म के ऊपर नहीं डालना आपने।
आप लोग क्यों नहीं मोर्चा संभालते हैं? अब मुझे लगता है कि अपना खालसा एड को यहां पर आकर राजनीति में जो इस तरह के जहर फैल गया है, आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। सर, अगर सही कह रहा हूं, आगे ना हम भी ऐसे नहीं नहीं राजनीति में नहीं आना, मतलब समाज में आकर थोड़ा सा आप कुछ कहना चाह रहे थे, हमारा समय समाप्त। सर, हम ये चीज कहना चाहते हैं, हमारे पहले सिखिज्म में कास्ट डिस्टिंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहिब हमारे में ये चीजें लिखी नहीं हुई। 30 स्पिरिचुअल गुरुज हैं जिसमें रविदास थे, कबीर थे, जट भी थे, कुछ और भी थे, तो लेकिन डिस्टिंक्शन नहीं था। अमृत मंथन है, मतलब एक तरह से। तो यही हमारा तो मेन मोटो यही है, गुरबानी आपकी, मतलब उससे बेहतरीन धार्मिक साहित्य क्या हो सकती है। लेकिन ये है ना, पढ़ते सब हैं। हाँ, उसको इम्प्लीमेंटली प्रैक्टिस कोई नहीं करता। प्रैक्टिकलिटी में सभी धर्म यही सिखाते हैं ना कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। कौन सा धर्म बताता है कि तू मुझको मार तो मेरा मांस खा या मुझे जिंदा जला दे? कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई नहीं सिखाता। लेकिन हमारा धर्म भी नहीं सिखाता, लेकिन हमारा धर्म यह सिखाता है कि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, सिर पे छत चाहिए, जहां पे भी जरूरत है कास्ट नहीं देखना। सब संभाल के लोग हैं आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया और काफी सकारात्मक कर दिया आप लोगों ने। कुछ दिन पहले गुरुद्वारा बंगला साहिब जी में गया था कि किस तरह से वहां की लंगर से हमारे लोकतंत्र के तमाम संघर्षों को मदद मिलती है, सब्सिडी मिलती है, पर ये जबरदस्त उदाहरण आप लोगों ने दिया कि रवि सिंह का, जो इसके संस्थापक हैं, कि वो अगर मर भी जाएं किसी कम्युनिटी के हाथों मदद करते हुए, तो उस कम्युनिटी पे ब्लेम नहीं आना चाहिए। सभी ये इतनी समझदारी आ जाए तो हिंदू मुस्लिम टॉपिक छोड़ के हम थोड़ा अस्पताल और शिक्षा पर भी बहस करने टीवी में। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आपकी ये लाइन याद रहेगी कि एक सिख भले मर जाए पर सिखी नहीं मरनी चाहिए। जिंदाबाद रहिए और अच्छा अच्छा काम करते रहिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, खालसा एड के लोगों से आपकी मुलाकात हुई, जितना वक्त मिला, जितनी बात हुई, वो सब आपके बाकी। आप इनके वेबसाइट पर जाइए, इनसे जुड़िए और इन्हें गले लगाइए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम, नमस्कार।